जैसा कि आज सभी लोग हम सीखने वाले कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया है जो ओप्पो कंपनी का है और इसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पासवर्ड लगा हुआ है। और जब पासवर्ड तोड़ेंगे तो इसके अंदर FRC भी लग जाएगा। तो इसके अंदर पासवर्ड को कैसे तोड़ेंगे, ये सारा चीज़ जो प्रोसेस है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाने वाला हूँ कि ये जो फ़ोन के अंदर लॉक तोड़ने के लिए लोगों को इसका पैसा देते हैं 200-300-500 रुपये या उससे भी ज़्यादा पैसा मार्केट में लगता है। ऑनलाइन खोलने का पैसा इससे भी ज़्यादा ले लिया जाता था, लेकिन अब ये कि इसका तरीका बहुत आसान आ गया है क्योंकि हमारा जो MediaTek CPU दिया हुआ है, ये MediaTek का जो कोर आपका UMT के अंदर आया हुआ है, ये बहुत अपडेट कर दिया है। इसका इतना अपडेट कर दिया है कि आप आसानी से 2 सेकंड के अंदर किसी भी फ़ोन को लॉक खोल सकते हैं। सबसे पहली बात, ये फ़ोन हमारे पास बनने के लिए आया तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे चेक करना है कि ये मॉडल कौन सा है। क्या है? मॉडल कौन सा है? तो मॉडल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इमरजेंसी में जाना है। यहाँ पर आपको कोड टाइप करना है, *#899#। जैसे आप टाइप करेंगे तो इंजीनियरिंग मेनू खुल जाएगा। इस मेनू में अगर आप जाएंगे तो सॉफ्टवेयर वर्जन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे इसमें यहाँ पर लिख करके आता है। आप दिखाएंगे सर, तो यहाँ पर मॉडल लिख करके आता है। क्या मॉडल लिख करके आता है? CPH 2083। ये यहाँ पर लिखा हुआ है CPH 2083। अगर CPH 2083 को हम लोग गूगल से निकालेंगे, किससे निकालेंगे? गूगल से निकालेंगे। चलिए हम गूगल से पूछते हैं कि भैया CPH 2083 क्या चीज़ है। गूगल पे गए, अब हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा मॉडल है, ओप्पो A1 ये है, A3S है, A5 है, कौन सा मॉडल, हमको पता ही नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप किया CPH, क्या निकला था? 2083। चलिए हमने 2083 करके सर्च मारा, ये देखिए 2083 मतलब ओप्पो A12 है। कौन सा है? A12 निकला। चलिए ठीक है, अब ओप्पो A12 पता चल गया तो यहाँ पर लिख दीजिए CPU टाइप। चलिए हम इसका CPU टाइप भी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख करके आएगा, आपको एक हिंट मिल जाएगी, ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा है। A12 है, A12 के लिए अगर यहाँ से ऐसे नहीं पता चल पाता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप पीछे जाइए और यहाँ पर लिखिए ओप्पो A12। क्या लिखना हमको? A12। आज आप इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे, समझेंगे। ओप्पो A12 स्पेसिफिकेशन हमने खोला, ये पूरा खुल गया है, ये वेट है और ये इसका CPU है, कौन सा है, कॉर्टेक्स MT लिखा है। MT का मतलब क्या होता है? MediaTek के मतलब MediaTek CPU इसके अंदर लगा हुआ है। इस तरीके से आपने पता कर लिया कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है, MediaTek CPU लगा है। हो सकता है आपको ऐसे ना पता चले तो आप क्या करिए, फ़ोन को स्विच ऑफ करिए। फ़ोन को क्या करेंगे? स्विच ऑफ करें, बंद कर लीजिए। फ़ोन को बंद करने के बाद अब आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखना है। हमको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा पोर्ट बना रहा है। अगर क्वालीकॉम SS रोडर का पोर्ट बनाता है तो इसका मतलब क्वालीकॉम है। SPD का बनाता है तो SPD है। और तुम्हारा अगर MediaTek का बनाता है तो MediaTek है। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे लैपटॉप के अंदर सारे ड्राइवर इंस्टॉल हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों बटनों को दबाया, देखिए ये हमारा पोर्ट बन गया है। ये क्या बन गया है? MediaTek। इसका पोर्ट बनाया इसने, MediaTek का पोर्ट बनाया। जब MediaTek का पोर्ट बनाया तो इसका मतलब ये कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया और MediaTek कंपनी का है। MediaTek का मतलब MTK CPU है। MTK CPU के लिए आप क्या करेंगे, ये UMT मल्टी टूल्स आप 3.9 को आप लेंगे। यहाँ पर लेने के बाद आपको टूल्स एंड FRP में जाएंगे। टूल्स एंड FRP में जाने के बाद यहाँ से आप ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करेंगे? ओप्पो। ये ले लिए हमने, ओप्पो ले लिया। ओप्पो लेने के बाद फिर हमारा मॉडल कौन सा था? A12 था ना? जी सर, ओप्पो A12। हम लोग क्या करेंगे, ओप्पो A12 सेलेक्ट करेंगे। A12 A11 जैसे कौन था, हमारा CPH 2083 था। हमने क्या कर लिया, CPH 2083 ले लिया। ये अब आपको क्या करना है, ये मॉडल लेने के बाद अब यहाँ से लेकर फिर से क्या कर देना, फॉर्मेट FS सेलेक्ट करना है और इसे क्या कर देना है, डू कर देना है। डू करते ही क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये हमारा पासवर्ड लगा हुआ है, देखिए हमने इसको क्या किया, बंद किया। इन फोनों को लॉक खोलने के लिए मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है। 1-2 मिनट के अंदर फ़ोन तो लॉक खुल जाता है। फ़ोन हमारा बंद हो गया,
हमने क्या किया इसमें डू कर दिया। अब आप वेट करिए, खुद ही बोलेगा 30 सेकंड में फ़ोन को कनेक्ट करें। ले लीजिए। अब हमने क्या करना है, हमारा कॉल बंद हो गया, हम दोबारा उसको ओपन साइड में रख लेना ताकि आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो थोड़ा 9 to 9 आपको दिखा देगा। हमने क्या किया, इसको डू पे क्लिक किया। जैसे आपने डू पे क्लिक किया ठीक है, और हम क्या करेंगे ओप्पो रीसेट मेटा मोड पे करेक्ट करेंगे। हमारा फ़ोन जब मेटा मोड में चला जाएगा तो यहाँ पर मेटा लिख करके आएगा, यहाँ पर डिस्प्ले में स्क्रीन में लिख करके मेटा मोड जी जैसे लिख करके आया हुआ है, ये स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रीसेट डिवाइस मेटा को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक कर देंगे तो डिवाइस को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। उसके अंदर जो यूजर डाटा होता है वो यूजर डाटा को पूरा साफ कर देगा। ये देखो रीसेट सक्सेसफुली, हमारा फ़ोन क्या हो गया, रीसेट हो गया। अब ये रीस्टार्ट हुआ, रीस्टार्ट होने के बाद देखिए फ़ोन आपका रिकवरी मोड में चला गया। रिकवरी मोड में जाने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगी। ये देखिए मतलब आपका डाटा क्या हो रहा है, वाइप हो रहा है, फ़ोन फॉर्मेट हो रहा है। फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद फ़ोन आपका दोबारा रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने से क्या होगा, अंदर का जो भी यूजर का डाटा होता है सारा डाटा क्या हो गया है, साफ हो गया है, सारा डाटा ख़त्म हो गया है। ये हमारा फ़ोन चालू हो गया है। चालू होने के बाद क्या करेंगे, आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कंटिन्यू करिए, Thank you.
ये हमारा कनेक्ट हो गया, फिर हमने नेक्स्ट किया, कंटिन्यू किया, पासवर्ड मांगने लगा। मतलब इसके अंदर अब क्या लगा हुआ है, FRP लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? FRP लॉक लगा हुआ है। ये तो मैं पासवर्ड डाल दूँ, अगर पासवर्ड नहीं डालूंगा तो फिर मेरे को जीमेल अकाउंट डालना पड़ेगा। अब हमें क्या है, मतलब FRP लॉक लग गया, तो FRP लॉक को बाईपास करने के लिए ओप्पो रियलमी के फ़ोन में बहुत आसान तरीका है। आप सीधे ऐसे इमरजेंसी पर जाइए, इमरजेंसी पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको कोड रन करना है, *812#। जैसे आप कोड रन करेंगे ऑटोमेटिक आप डेस्कटॉप में चले जाएंगे। देखिए ये हमारे फोन का लॉक खुल गया, हमारे फोन का लॉक खुल गया, FRP भी खुल गई। लेकिन अब इसमें क्या हो जाता है कि हमारी जो लैंग्वेज हो जाती है वो किस में हो जाती है, चाइना भाषा में हो जाती है। चाइना भाषा को ठीक करने के लिए भी ये कोड आता है, आपको यहाँ पर रन करना पड़ेगा, *000#। अब अगर ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको सीधे सीधे सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में कहाँ पर जाना पड़ेगा, लैंग्वेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए का निशान बन गया है, ए का निशान का मतलब क्या होता है, ये भाषा चेंज करने के लिए बोलता है। आप ए में जाएंगे, ए पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए लैंग्वेज आ जाती है, कौन सी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर नहीं आ रही है, इसके नीचे आ जाएगी, इस पर आ जाएगी, ये देखिए ये हमारी कौन सी चल रही है, इंग्लिश चल रही है, स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स। हमने क्या किया, इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे फ़ोन का लॉक खुल गया। कि जैसा कि आज आपने देखा कि किस तरीके से ओप्पो के मोबाइल फ़ोन में लॉक को हम खोलते हैं, और इसी तरीके से आपको एक एक करके सारे मोबाइल फ़ोन को लॉक को खोलने का तरीका होता है। ये हमारा एक EMT Pro डोंगल होता है, बहुत बेस्ट डोंगल है, जिसके द्वारा हम सारे मोबाइल फ़ोन को बहुत आसानी से इजीली से लॉक खोल सकते हैं। ये डोंगल अगर आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो आपको 3500-3600 रुपये के समथिंग आपको डोंगल मिल जाती है, और इसके द्वारा सारे ओप्पो रियलमी वीवो जो भी सारे फ़ोन आते हैं, सारे फ़ोनों को सैमसंग तक के सारे फ़ोनों को लॉक को हम आसानी से वन क्लिक के साथ में खोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी MTK CPU का अपडेट आया है कि MediaTek के जितने सारे CPU हैं वो सारे CPU को हम कर सकते हैं। अब यही बात अगर क्वालिकॉम के लिए, जैसे मैं कहता हूँ हमारे पास ये ओप्पो का A3S फोन आ जाता, फिर उसको लॉक खोलने के लिए क्या करना पड़ता, तो ऐसा नहीं कि आपको किसी फायर के अंदर ऑप्शन आया हो या क्वालिकॉम का ऑप्शन आया हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, EMT ने सपोर्ट अपना बहुत अच्छा दे रखा है। ये दे रखा है कि आप चाहे तो EMT के अंदर एक और एक्टिवेशन ले सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं EMC हार्डवेयर टूल का। अगर EMC हार्डवेयर टूल का आप एक्टिवेशन ले लेते हैं, वो समथिंग 1200-1400 रुपये का एक्टिवेशन होता है, और उसका एक ISP अडेप्टर आता है कि जंपर वाला सिस्टम आता है, कि उसमें डाटा क्लॉक CMD के सारे जंपर लगा करके आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, और क्वालिकॉम जो CPU आते हैं उनको भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो उसका भी मान लो 3500-3600 रुपये समथिंग और खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो इससे रहेगा कि आप क्वालिकॉम को भी लॉक को तोड़ सकते हैं। अब MediaTek का रजिस्ट्रेशन अपडेट आ गया है, हो सकता है इन फ्यूचर कल को क्वालिकॉम का भी अपडेट निकाल दे, जिससे आप सारे फ़ोनों को लॉक खोल सकें। तो इस तरीके से आपको सारे मोबाइल फ़ोन के कम्प्लीट पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। थैंक यू।